الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ہر ایک شے کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے. باوجود دونوں میں بڑی مشابہت کے ایک بڑا فرق ہے اور حقیقت کچھ اور ہے، صورت کچھ اور ہے. اس کی روزمرہ کی روزمرہ کی زندگی میں دو بہت بنیادی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں. پہلے تو یہ کہ ہم نے اور آپ نے مٹی کے پھل دیکھے ہوں گے، جو بالکل اصلی پھل معلوم ہوتے ہیں. کئی بار آپ ایسی دکان پہ جائیں جہاں مٹی سے تیار کیے گئے پھل رکھے ہوں، یا بہت سے کھلونے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں آپ گئے اور آپ نے مٹی کے بہت سے پھل دیکھے، انہی بہت سے پھلوں میں ایک پھل آپ کی نگاہ کے سامنے آیا جس کو آم کہا جاتا ہے. بڑے اچھے سے ڈیزائن کیا گیا، بڑے اچھے سے اس کو تیار کیا گیا، اس پر رنگ و روغن کیا گیا اور اس کو بالکل وہی شکل و صورت دے کر آم جیسا بنا کر رکھ دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے تو دیکھ کر زبان حال سے یہ کہتا ہے کتنا پیارا آم ہے، لیکن یہ بات وہ بھی جانتا ہے کہ یہ اپنی صورت کی دنیا میں اتنا پیارا ہے، ابھی اس کی حقیقت واضح نہیں ہے. چنانچہ وہ اس مٹی کے آم کو ہاتھ میں لیتا ہے اور جیسے ہی وہ مٹی کا آم اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اس آم کی حقیقت اس بندے پر واضح ہو جاتی ہے. وہ آم تو ہے، لیکن اس مٹی کے آم میں نہ ذائقہ ہے، نہ خوشبو ہے، نہ رس ہے، نہ نرمی ہے، اور اس کی جتنی خاصیات ہو سکتی ہیں وہ کچھ اس میں نہیں. ایسے میں یوں ہاتھ میں لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صورت کا آم ہے، حقیقت کا آم نہیں ہے. مزید آگے بڑھیں تو ہم اور آپ مردہ عجائب خانوں میں جاتے ہیں جہاں بہت سے جانوروں کی کھال میں بھوسا بھر کے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے، اور کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ ادھر شیر کھڑا ہے، ادھر چیتا کھڑا ہے، اور ادھر جناب بھالو کھڑا ہے، اور ادھر کسی گھوڑے کو تیار کر دیا گیا، اور ادھر ہاتھی کو تیار کیا گیا، اور مختلف جانوروں کی کھالوں میں بھوسا بھر کے ان کو کھڑا کر دیا گیا.
अब बजाहिर जानवर है लेकिन अपनी सूरत के साथ है, हकीकत के साथ नहीं है। इसलिए कि अगर वो अपनी हकीकत के साथ होता तो आप क्या कहते हैं कि शेर अपनी हकीकत के साथ हो और फिर उसको यूं खड़ा कर दिया जाए, क्या यह मुमकिन था? हरगिज नहीं। चुनांचे सूरत और हकीकत बावजूद एक बड़ी मुशाबहत के दोनों अपने अंदर एक बड़ा फर्क रखती है। सूरत कुछ और है, हकीकत कुछ और है। और सूरत बहरहाल सूरत है, हकीकत बहरहाल हकीकत है। यह एक अमरे मुसल्लम है, यह फैक्ट बात है कि अगर सूरत का मुकाबला कभी हकीकत से होगा तो लाजमी तौर पर हकीकत के मुकाबले में सूरत ठहर नहीं पाएगी। इसलिए कि सूरत में एक खौल है, एक जाहिरी शक्ल है, जाहिरी जामा है, हकीकत से वो पूरे तौर पर खाली है। मेरे भाई, ठीक उसी तरह आज पूरी दुनिया में मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में शायद इससे पहले कभी रहा हो जितनी बड़ी तादाद में आज वो जमीन पर मौजूद है। लेकिन इस मुसलमान को जब आप सूरत की शक्ल में देखते हैं तो ये बात वाजे होती है और भरम बैठता चला जाता है, एक बड़ी तादाद है सूरत की। लेकिन यही मुसलमान हकीकत के आईने में पूरे तौर पर खाली है, इसलिए कि सूरत की हैसियत हकीकत के मुकाबले कुछ नहीं होती। आपको लगता है अगर जमीन पर मुसलमान हकीकत के साथ होता तो हालात ये होते? हरगिज नहीं, किसी सूरत नहीं। इसलिए अमरे मुसल्लम के तौर पर और कायदे की शक्ल में इस बात को याद रख लीजिए कि वो भूस भरी हुई खालें जिनमें ना कोई जान है ना ताकत है, शेर है मगर उस शेर की आवाज में ना गुस्सा है ना उसकी अपनी दहाड़ की एक आवाज है, ना ताकत है ना हैबत है, हकीकत के मुकाबले में सूरत की शिकस्त यकीनी है। अब आप इस पर मजीद तवज्जो फरमाए, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सूरत कभी हकीकत के कायम मकाम नहीं हो सकती। सूरत से हकीकत के खवास कभी जाहिर नहीं हो सकते। सूरत कभी हकीकत का मुकाबला नहीं कर सकती। मजीद ये कि सूरत कभी हकीकत का बोझ नहीं संभाल सकती। जब कभी किसी सूरत का हकीकत के मुकाबले में आना होगा तो लाजमी तौर पर सूरत को शिकस्त खाना पड़ेगा। और याद रखिए, जब सूरत पर किसी हकीकत का बोझ डाला जाएगा तो सूरत की पूरी इमारत जमीन पर आ गिरेगी। और यह एक ऐसा नुमाया और बड़ा फर्क है कि आप जिंदगी के जिस गोशे में इसको चस्पा करके तजर्बे की निगाहों से अपने इन सर की आंखों से मुशाहदा करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। और यह भी याद रखिए, अजीम से अजीम और मुहीब से मुहीब सूरत अगर हकीर से हकीर हकीकत के मुकाबले में आएगी तो उसका मगलूब होना यकीनी है। यानी मजबूत तर सूरत, जैसे गज़वे बद्र में सूरत का मुकाबला एक हकीकत से है, 1000 से ज़ायद का लश्कर एक अजीम ताकत लेकर एक अजीम और मुहीब सूरत की शक्ल में खड़ा है, लेकिन आप देखें मुकाबले में एक कमजोर हकीकत है लेकिन हकीकत है। 315 है, 313 सहाबी हैं, 313 बदरी सहाबी हैं, लेकिन अपनी हकीकत के साथ हैं।
उनके ईमान का, उनके जज्बात का, एहसासात का, उनके अपने अंदर इस्लाम का, हकीकत का आईना मौजूद है, सूरत के आईने में वो लोग नहीं है। चुनांचे अजीम से अजीम तर सूरत सामने खड़ी है और इधर एक बड़ी कमजोर हकीकत है, लेकिन चूंकि हकीकत है, सूरत की इतनी बड़ी अजीम शक्ल, 1000 से जायद का लश्कर उन 313 का मुकाबला नहीं कर पाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यह 313 का मुख्तसर सा मजमा अपनी हकीकत के साथ खड़ा है, वह 1000 का लश्कर अपनी सूरत के साथ है, गो के सूरत अजीम है, बड़ी है और बहुत ज्यादा ताकतवर कहलाई जा रही है, लेकिन चूंकि वो अपने अंदर ईमान की हकीकत से महरूम है, उसके पास हकीकत नहीं है। ठीक उसी तरह बहुत अच्छे से यह बात याद रखिए कि उस मुर्दा अजाइब खाने में आप देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा अपने नन्ने मुन्ने कमजोर से मासूम हाथों से शेर को थप्पड़ मार रहा है, इसलिए कि बच्चा अपनी हकीकत के साथ है और शेर अपनी सूरत के साथ है। आप देखेंगे वो मासूम सा बच्चा हाथी को फाइट कर रहा है और उसको घुमा के लात मार रहा है, इसलिए कि बच्चा अपनी हकीकत के साथ है और हाथी अपनी सूरत के साथ है। मजीद आप देखेंगे कि बच्चे ने तेंदुए को पकड़ा और यूं पकड़ के दे पटखा जमीन पर, वो सूरत से लड़ रहा है, हकीकत से उसका सामना नहीं है, इसलिए कि अगर हकीकत से उसका सामना होगा तो लाजमी तौर पर नन्ने मुन्ने की बात तो कुजा, इस नन्ने मुन्ने के बाबा अपने आप में हजार ताकत के बावजूद जब उस हकीकत के सामने आएंगे तो पसीने छूट जाएं। डेढ़ अरब की आबादी पर मुश्तमिल उम्मत मुस्लिमा, अक्वाम आलम, सारी दुनिया में बसा हुआ मुसलमान, फिलिस्तीन की सरजमीन पर मजलूमों का खून रोकने में नाकाम, इराक की सरजमीन पर 10 लाख इंसानों के कत्ल में नाकाम, मिस्र की सरजमीन पर मैदान तहरीर में अंधाधुंध फायरिंग में हजारों अल्लाह के बंदों को तहे तेख कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है। 57 मुस्लिम मुल्क, निजाम कोई और तय करता है, तेल उनका है, कीमत कोई और लगाता है, जमीन उनकी है, राज किसी और का चलता है। मजीद आप देखें, बर्मा की सरजमीन पर नस्ल कुशी की गई, लाखों मुसलमान मौत के घाट उतार दिया गया और मजाल है कोई बोलने वाला हो, कोई कुछ कहने वाला हो, एक किसी के मुंह में कोई जबान नहीं है, सारी दुनिया गूंगी खड़ी है और वो 1.5 अरब मुसलमान तमाशाबीन बने हुए हैं, मसलियत के खानों में जबान खोलते हैं। आप जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये हकीकत से खाली लोग हैं, सूरत का खौल है, चल रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। चाइना की सरजमीन पर मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं होता, एक खास खित्ता है, एक खास इलाका है जहां के मुसलमानों की नस्ल कुशी चाइना की सरजमीन पर इस खामोशी से की जाती है कि जिसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। और चूंकि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया अलर्ट रहता है, लेकिन चाइना के वो छोटी रास के लोग अपने मीडिया को बाहर नहीं आने देते हैं, इसलिए उन अल्लाह के मासूम और मजलूम बंदों की मौत की खबर भी किसी को नहीं होती है। और इसी के साथ साथ जनाबे मन आलम अरब में और यूरोप के सरजमीन पर और उसके हमनवा मुल्कों में जहां मुसलमान बसता है उस पर जमीन तंग कर दी जाती है, कहीं किसी मस्जिद में कोई सरफिरा, कोई अकल का अंधा उठा और उसने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग की
और बाद में हुकूमत ने उसको अरेस्ट करके ये कह दिया ये दिमाग से माजूर था, और दुनिया ने अपनी कलम और अपनी जबान का इस्तेमाल करते हुए बस एक चुप्पी साध ली। और दुनिया के किसी मुल्क में रसूल पाक का कार्टून बनाया गया, हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की गई, अल्लाह के पाक पैगंबर की हैसियत को मजरूह किया गया, दुनिया के किसी जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के कैमरों के सामने कुरान की तौहीन की गई, सारा आलम अरब सोता रहा और सारा आलम अजम सोता रहा। न फर्क पड़ा पाकिस्तान पर, और न फर्क पड़ा बांग्लादेश पर, और न फर्क पड़ा हिंदुस्तान पर, और न आलम अरब के किसी मुल्क पर, और जहान भर के 1.5 अरब मुसलमान कहिए कि कदमों को पीछे हटा के हाथ मसलते हुए दांत पीसते हुए रह गए। और फिर उनकी जिंदगी मामूल के मुताबिक वैसे ही शुरू हो गई जैसे वो चल रही थी, कोई फर्क उन पर नहीं पड़ता है। सुबह उनके पास आती है, शाम उनके पास आती है, दिन गुजर रहे हैं, अय्याम गुजरते चले जाते हैं, शबो रोज गुजर रहे, और कोई मामूली तगैयुर किसी तरह का देखने को नहीं मिलता है। सीधी सी तस्वीर यह है कि यह सूरत का मुसलमान है, हकीकत का मुसलमान नहीं है। हकीकत का मुसलमान था बद्र के मैदान में 1,313, हकीकत से टकराया है बातिल, पाश पाश हो गया। सूरत का हकीकत का मुसलमान था अहद की सरजमीन पर, सूरत की एक अजीम ताकत टकराई है हकीकत के उन चंद मतवालों से जिनके मुकाबले वो ठहर नहीं सकते थे। ये सूरत है जिसे मैं और आप लेकर जी रहे हैं, और खुशफहमी का शिकार है कि हमारे साथ तो अल्लाह की मदद आनी ही चाहिए, और आएगी, हमारे साथ नहीं आएगी तो किसके साथ आएगी। और अगर हमें फतह नुसरत का मुजदा नहीं सुनाया जाएगा तो किसको सुनाया जाएगा। याद रखिए, ये सारा का सारा सिलसिला हकीकत के मुसलमानों के लिए है, सूरत के मुसलमानों के लिए ये सब नहीं है। इसलिए कि जब अंदर सूरत का इस्लाम छुपा है, रवा रवि का इस्लाम छुपा है, रिवाज का इस्लाम छुपा है। चुनांचे किसी लिखने वाले ने लिखा, बर्रे सगीर का मुसलमान आज भी हिंदू है, दलितों सिखों ईसाइयों बुद्धिस्टों जैनियों पारसियों आदिवासियों इनकी हमनशीनी और हम रिकाबी में चलने वाला बर्रे सगीर का ये मुसलमान जिसके पड़ोस में गैर मुस्लिम बिरादरान वतन बसते हैं, वो आज भी अपने अंदर उस हिंदू तहजीब को रखता है, उस रिवाजी इस्लाम को रखता है। जब कभी रिवाज के खिलाफ इस्लाम उस पर पेश होता है तो उसके अंदर का हिंदू बाहर आ जाता है। रिवाज का इस्लाम है तो सबको पसंद, 5 वक्त की नमाज की बात करें तो रिवाज का इस्लाम मसला नहीं कोई, रोजे की बात कीजिए तो रिवाज का इस्लाम में मसला कोई नहीं, जकात की हज की खाना खिलाने की पानी पिलाने की सफाई की मेडिकल की और तिब्बी खिदमात की और बहुत से पहलू हैं, उन सब की बात कीजिए जिसमें किसी तरह निफास निजाम के निफास को कोई दखल ना हो, तो अब सब लोग इस पर खुश हैं और सब समझते हैं कि हम इस्लाम की बुनियादों पर खड़े हैं। सच्चाई यह है कि आप रिवाज के इस्लाम की बुनियादों पर खड़े हैं, आप ही के इस मुआशरे में रिवाज से हटकर जब इस्लाम पेश किया जाता है तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं, लोग सटपटा उठते हैं, टेंशन का शिकार हो जाते हैं, इसलिए कि रिवाज के खिलाफ इस्लाम पेश कर दिया गया और जिंदगी रिवाज से मामूर थी, जिंदगी रिवाज से मुजयन थी और जिंदगी रिवाज से भरी हुई थी, रिवाज का इस्लाम था। जब यह कह दिया गया कि शादी में सेहरा नहीं है, जब यह कह दिया गया कि शादी में हल्दी के क्या माना, जब यह कह दिया गया कि निकाह में इतने सब सरफे के क्या माना, तो फिर रिवाज के इस्लाम से बाहर अंदर का हिंदू बाहर आता है और वो साफ कहते हैं कि आप किस इस्लाम की बात करते हैं। इसका मतलब यह कि इस्लाम आपके पास नहीं है, आप किसी रिवाजी इस्लाम पर जीते हैं इसीलिए आप जी रहे हैं। आपके सामने पेश किया गया
कि साहब इस्लाम में सियासत को बड़ा दखल है और सियासत ही इस्लाम में है, इस्लाम के सिवा सियासत नहीं है। वो मगरिब का थूक है जिसे आप जमहूरियत कहते हैं, जहां मालदार और मालदार होता है, जहां ताकतवर और ताकतवर होता है, जहां जालिम मजीद जालिम हो जाता है, गरीब मजीद गरीब हो जाता है, मजलूम मजीद मजलूम हो जाता है और कमजोर की कमजोरी मजीद बढ़ जाती है। ये जमहूरियत है। जब आपसे कहा जाता है इस्लाम में सियासत है तो आपके मेरे अंदर का हिंदू बाहर आता है, वो कहते हैं मुसलमान का सियासत से क्या ताल्लुक है, और अगर कोई आलिम सियासत में आ जाए तो आप कहते हैं उलमा का सियासत से क्या ताल्लुक है। याद रखिए, अगर उलमा सियासत में नहीं होंगे, और ये वो चूक है जो आजादी के बाद इस जमीन पर बुनियादी तौर पर की गई है। हमारे अकाबिर ने ये समझा, वो अगरचे मुखलिस थे, वो अगरचे अपनी बात में सच्चे थे, उन अल्लाह के बंदों को यकीन नहीं था आने वाले कल की तस्वीर हिंदुस्तान में कुछ और होगी, जमीन इतनी तंग कर दी जाएगी कि हल्द्वानी की सरजमीन पर बहनों और बेटियों पर जालिमाना और जाबिराना किरदार के साथ पुलिस लाठी बरसाएगी। क्या पुलिस इसलिए होती है कि वो लाठी बरसाए? क्या पुलिस इसलिए होती है कि वो इसका ख्याल न करे बेटी है कि या बेटा है? क्या पुलिस इसलिए होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे या जुल्म करे? आप देखें, कश्मीर की सरजमीन पर एक फौजी एक मुसलमान का हाथ पकड़ के कहता है कहो जय श्री राम, हम ये जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं किस हिंदुस्तान की तस्वीर को पेश कर रहे हो, किस राम राज्य की बात कर रहे हो? अगर यही राम राज्य है तो सारी दुनिया पनाह मांगेगी। मुसलमान तो मसाइल में जीना जानता है, उसने कुर्बानियां दी हैं, जानों का नजराना उसके लिए बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हम मुखातब करते हैं दलितों को, हम मुखातब करते हैं पारसियों को, हम मुखातब करते हैं जैनियों को, और दलितों पारसियों जैनियों आदिवासियों सुनो, अगर यही राम राज्य है और इसी राम राज्य की बात माननीय प्राइम मिनिस्टर करते हैं और दीगर सूबों के वज़राए आला करते हैं और आरएसएस इसी राम राज्य की बात करता है, तो अल्लाह की कसम ये मुल्क को खा जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा और मुल्क उस दहलीज पे पहुंचेगा जहां मुल्क में अमन के ताने बाने ढूंढे नहीं मिलेंगे। इसका नाम राम राज्य है। आप भीड़ को कंट्रोल कीजिए, आप लाइन ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, आप फौज के मजीद दस्ते बुलाइए, जो लोग जुल्म कर जो लोग फसाद फैला रहे आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। औरतों पर लाठी चलाने के क्या माना, बेटियों पर लाठी चलाने के क्या माना, बहनों को पांव से कुचलने के क्या माना? और अगर किसी पुलिस वाले में और किसी फौज के आदमी में ये इंसानियत बाकी नहीं है कि वो ये नहीं देख सकता, उसको इतना हवास बाकी नहीं है कि सामने औरत खड़ी है कि मर्द खड़ा है, फिर वो मुहाफिज दस्ते के काबिल नहीं हो सकता। आप खेल बना रहे, आप तमाशा बना रहे, आप मुस्तकिल एक कम्युनिटी के साथ खेल खेल रहे, उसको फुटबॉल बनाया हुआ है आपने। कभी आप मोहब्बत के लहजे में बात करते हुए कहते हैं तीन धाम हमें दे दीजिए, कभी आप बात करते हुए कहते हैं कि जनाब ये तो होगा, कभी आपका कोई बड़ा मंत्री ऐलान देता है और कहता है काट दिए जाएंगे, और एक सलमान अजहरी अपनी जबान से कुछ निकाल दे तो आपको बावला कुत्ता काट जाएगा, आप अपने हवास खो बैठेंगे और तरह तरह से टारगेट करेंगे। मियां सारे हिंदुस्तान के मुसलमान को दांव पर लगा दीजिए, इन सीनों पर गोली चलाइए, और अगर इस तरह मुल्क को बचा सकते हैं तो हम इस मुल्क की खातिर कल भी अपनी जानें दे चुके हैं फिर देंगे, लेकिन यकीन से कहते हैं इस तरह मुल्क महफूज नहीं रह सकता। अजीब तमाशा बनाया गया है। अलमान अल हफीज, इसलिए हम हुकूमत के अहदेदारों मनसबों पर बैठे हुए लोगों से बसद एहतराम गुजारिश करते हैं और गुजारिश करते हैं माननीय प्राइम मिनिस्टर से कि वो अपने मन की बात में, उनके मन की बात में वो इसको शामिल करें, वो कहें कि लोगों के साथ इस तरह जुल्म रवा नहीं रखा जा सकता, या फिर वो ऐलान कर दें इस बात का कि वो सबके पर प्रधानमंत्री नहीं है, वो सबके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और अगर वो है तो उनको हल्द्वानी की वो तस्वीर दिखनी चाहिए जिस तस्वीर में बहनों और बेटियों को कुचला जा रहा है,
और जहां कश्मीर की सरजमीन पर एक फौजी एक मुसलमान का हाथ पकड़कर उससे कहला रहा है जबरन कि तुम जय श्री राम कहो, क्या मतलब है? क्या आप मुसलमान से उसका ईमान छीनना चाहते हैं? क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर साबित क्या करना चाहते हैं? हम ये समझते हैं कि इससे मुल्क को मजीद तबाही का सामना होगा, मुल्क आबाद नहीं हो सकता। बाहर कैफिए के मैं अर्ज कर रहा था, सूरत और हकीकत में बड़ा फर्क है, और मैं और आप जहां खड़े हैं जिस तरफ चल रहे हैं वो सूरत है, वो हकीकत नहीं है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वो हकीकत नहीं है, इसलिए कि हकीकत सुबह फजर में उठा देती है और सूरत सुला देती है। फजर में 2.5 सफ थी, ये बकिया के जमीन पर अभी पैदा हुए हैं, ये आए कहां से हैं? तमाम मस्जिदों में 3-3 मंजिला इमारतें फुल भरी हैं, जुमा की नमाज है, ये सूरत का इस्लाम है जो सो रहा था फजर में, और अब जब हकीकत से किसी दर्जे आश्कारा हुआ है, ख्याल आया है और इसकी जमीन पर अल्लाह के खौफ ने दस्तक दी है, तो ये मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए चला आया। ये सूरत का मुसलमान है जो दाढ़ी रखते हुए घबराता, ये सूरत का मुसलमान है जो दाढ़ी रखते हुए घबराता है, जो अपने इस्लाम के इजहार से घबराता है, जो अपने नाम को मुसलमान बताते हुए घबराता है। ये सूरत का मुसलमान है जो नौकरी के लिए अपनी दाढ़ी दांव पर लगाता है। ये सूरत का मुसलमान है जो किसी कमजोर को, बेबस को, लाचार को, निहत्ते को सताता है और उस पर जुल्म करता है। हकीकत का मुसलमान कभी ऐसा नहीं करता। हकीकत के मुसलमान के लिए हदीस पाक में हुजूर ने कहा अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई, ला यज़लिमुहु, न जुल्म करता है, वला यख़ज़ुलुहु, और न उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। आज सारी दुनिया में आलम अरब के लोगों ने, आलम आजम के लोगों ने उम्मत मुस्लिमों को पूरे तौर पर सिसकने के लिए छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि इनके पास सूरत है, हकीकत इनके पास नहीं है। मजीद आगे बढ़े, जब जब सूरत का इस्लाम अपने अंदर हकीकत लाया, अब सूरत के मौका, सूरत के लबादे में कितना ही मजबूत बातिल रहा और कितनी ही कमजोर हकीकत रही, बिलाखिर ये कि वो हकीकत गालिब आई। चुनांचे मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर सैयदना हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले, जो अपने आप में एक बहुत छोटी हकीकत की शख्सियत, इस्लाम हकीकत के खानों में रखते हैं, और उनके मध्य मुकाबिल जो कुफर खड़ा है अपनी हकी अपनी सूरत के साथ, जब वो ये कहता है कि हम तुम्हारी जगह नऊज़ु बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को फांसी पर चढ़ा देंगे, उस वक्त खुबैब कहते हैं कान खोल कर सुन लो ये बात, मुझे ये भी गवारा नहीं है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पांव में कांटा चुभ जाए। उसी मक्के की सरजमीन पर सुहैब रूमी भी है, हिजरत करके मदीने जा रहे हैं, कुफारे मक्का रोक के कहते हैं हकीकत का इस्लाम बोल रहा है, रोक के कहते हैं कुफारे मक्का तन्हा जाओगे, वो माल नहीं ले जा सकते जो मक्के की सरजमीन पर कमाया था, हकीकत थी सूरत के मुकाबले में, सारे माल को छोड़ दिया और ऐलान किया लोगों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों की खाक नहीं छोड़ सकता, सारी दुनिया छोड़ सकता हूं। उसी सरजमीन पर अबू सलमा है, उनकी बीवी उम्मे सलमा है, अबू सलमा एक हकीकत है, बातिल और मक्के के कुफार उनके सामने सूरत के तौर पर खड़े हैं और एक अजीम सूरत की शक्ल में खड़े हैं। लेकिन अबू सलमा से जब यह कहा जाता है कि तुम मक्के की जमीन से जाओगे, उम्मे सलमा मक्के की बेटी है, तुम उनको साथ नहीं ले जा सकते, अबू सलमा कहते हैं कि 1000 बार यह बात मंजूर है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दिया जाए यह मंजूर नहीं है। सहाबी रसूल हैं हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन, आप जरा गौर करें, अपने बाग में नमाज पढ़ रहे हैं, ये अबू तलहा बाग में नमाज पढ़ रहे हैं, बाग में घना बाग होने की वजह से एक चिड़िया के आने की वजह से जरा तवज्जो बट गई, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, चिड़िया की चहचहाने की वजह से अबू तलहा नमाज में है,
तवज्जो बट गई रब की याद में, उनकी मोहब्बत में, वो कैफियत, वो तवज्जो, वो इस्तेहजार बाकी नहीं रह सका जो अबू तलहा को नमाज में मतलूब था। इधर नमाज मुकम्मल की, उधर वो सारा का सारा बाग वक्फ कर दिया, ये कहते हुए अल्लाह के पाक पैगंबर इस बाग की वजह से मौला की याद से तवज्जो हट गई थी, नमाज में वो इस्तेहजार बाकी नहीं रह सका था जो इस्तेहजार अल्लाह को मतलूब है। ये हकीकत का इस्लाम बोल रहा है, ये सूरत का इस्लाम किसी सूरत नहीं हो सकता। और आज भी जमीन के जिस टुकड़े पर अपनी छोटी सी हकीकत के साथ बड़ी ताकत से जो सूरत की शक्ल में खड़ी है, इस्लाम बरसरे पेकार है। अल्लाह की कसम, सूरत शिकस्त खा रही है और हकीकत उफ़्ते आलम पर आफ्ताब व महताब बनकर चमक रही है। क्या आप नहीं समझते फिलिस्तीन की सरजमीन पर वो मासूम, कमजोर, निहत्ते, बेबस मुसलमान बच्चे जिनका बाप भी मर गया, जिनकी मां भी मर गई, उन्होंने कार्टून के गत्ते ओढ़कर सोने की कोशिश की, ऊपर से बारिश बरस रही है और गत्ते पर सर रखकर गत्ता ओढ़कर ये मासूम बच्चा या बच्ची सोने की कोशिश में है बल्कि सो रहा है। आखिर क्या मतलब है? ये अपनी हकीकत के साथ है, इसराइल सूरत के साथ है। ये नन्ही सी हकीकत बातिल इसराइल की पूरी सूरत पर गालिब आ रही है। सूरत बहरहाल सूरत है और हकीकत हकीकत है। हकीकत के मुकाबले में सूरत कितनी भी अजीम क्यों ना हो और कितनी भी मुहीब क्यों ना हो, वो नहीं टकरा सकती, नहीं ठहर सकती। इसलिए अपने अंदर हकीकत का इस्लाम लाने की, पैदा करने, पेवस्त करने और रासिख करने की कोशिश कीजिए। रिवाज के इस्लाम से बाहर आइए। और मैं चंद एक मिसालें जरूरी समझता हूं देनी। रिवाज का इस्लाम, आपके मुआशरे में जिन बूढ़ों की बुढ़ियाएं गुजर चुकी हैं, अगर आपका बाप है और मां गुजर गई और बाप की जिंदगी इस काबिल है कि हाथ पांव चलते हैं, तो उस बूढ़े का निकाह कराओ, सूरत के खाने से निकलो। मजाक न समझो, ये तफरी का सामान नहीं है, ये हंसी के लिए अर्ज नहीं कर रहा हूं। उस बूढ़े का निकाह कराओ ताकि तुम्हारे अंदर का हिंदू मर सके। और उस बुड्ढे को चाहिए वो साफ लफ्जों में इसका ऐलान करे कि वो निकाह करेगा। क्या मतलब है इस बात का? अगर आपने इस पर कदम नहीं उठाया तो उन सिसकती हुई बेटियों का क्या होगा जो तलाक पावक पाकर और बेवा होकर अपने बाप के घर बैठी हैं? कौन उनका पुरसाने हाल होगा? निकलिए इस रिवाज के इस्लाम से और मार डालिए इसको जो आपके अंदर एक गैर मुस्लिम बैठा है, अंदर जो हिंदू आपके बैठा है, जिसने आपके इस्लाम को पाश पाश कर दिया है। जरूरत है इस बात की कि आप उस अंदर के हिंदू की जगह अंदर मुसलमान बिठाइए। और बूढ़े भी इसमें हार ना करें। शहवत ही की बुनियाद पर निकाह नहीं होता, शहवत ही सब कुछ नहीं होती। जरूरत बड़ी चीज है, खिदमत बड़ी चीज है। माशरे में जब कोई बूढ़ा अपनी बुढ़िया के मरने पर निकाह करता है तो उस घर के जवान बच्चों को बावला कुत्ता काट जाता है। वो अपने बाप से बरसरे पेकार होते, काय की दीनदारी है, किस दीनदारी का ढोल बजाते हो? बूढ़े बाप को तड़पता देखना मंजूर करते हो, अपनी बेगमों के साथ बेडरूम में सो रहे हो, तुम्हारा बाप रात दिन तड़प रहा है और तुम्हें ख्याल नहीं है। और बूढ़े ये ना कहें कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है, इस्तखारे में नहीं आया। ये ड्रामे और ढकोसलेबाजी बंद करें, इस्तखारे में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि समाज का खौफ है आपको, इस्तखारे में नहीं आ रहा है। औरत मिले और पीछे हटो, ये मुमकिन है? इस्लाम इंसान की फितरत में औरत रखी गई है और इस तौर पर रखी गई है कि वो उससे भाग नहीं सकता। फारूक आजम कहते हैं, मेरी जिंदगी का एक दिन बाकी हो और कोई खातून मेरे निकाह में ना हो, मैं उसे एक दिन में निकाह करूंगा, कोई और काम नहीं करूंगा। और ये फिरते हैं 30-30 साल के बूढ़े और गलियां छानते हुए, खाक छानते हुए कभी किसी के घर बैठ गए, निगाहें पाक नहीं होती। हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इतनी बदनिगाही जवान नहीं करता है जितनी बदनिगाही बूढ़ा करता है। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उसको पता नहीं चलता, ताकत की कमजोरी की वजह से एहसास नहीं होता है, इसलिए वह उस गुनाह से गुजरता रहता है और पता नहीं चलता है। इसलिए बजाय इसके कि आप किसी तरह की अटखेलियां पैदा करें, गुंजाइश है, ताकत है तो निकाह करें,
किसी की बेटी को, बहन को, बहू को ताड़ने और उसकी इज्जत से खेलने से बेहतर निकाह कीजिए। और जवानों की खिदमत में अर्ज करूंगा, रिवाज के इस्लाम से बाहर निकलिए। ये रिवाज का इस्लाम है, हमारे खानदान में ना होती हजरत जब तक कैरियर मुकम्मल ना हो जाए। बेड़ा गरक हो तेरा भी, तेरे कैरियर का भी और तेरे खानदान का भी। कहा हो इस कैरियर और खानदान की बेस पर दूसरों की बेटी से खेलोगे? बिरादरी में रिश्ता नहीं मिल रहा, तोड़ डालो ये बिरादरी के सर्कल, फेंक दो इन बैरियर्स को उठाकर। ये वहां तक काम करते हैं जहां तक तुम्हारा दीन ईमान दांव पर न लगता हो। और जब तुम्हें दिखे कि तुम जिना के अड्डों की तरफ पढ़े चले जाते हो तो ऐलान कर दो और साफ कह दो अपने मां बाप से, हमें किसी तरह का जहेज नहीं चाहिए और हमें किसी तरह की राह और रस्म मंजूर नहीं है, बस निकाह कर दीजिए। मुसलमान और इस दौरे बातिल में, इस मुश्किल घड़ी में वो निकाह के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेगा। आप हालात समझते हैं? इन हालात में आपको मस्तियां सूझ रही हैं, कई कई सौ रुपए के कार्ड बनाए जा रहे हैं और आप ये समझते हैं कि दौलत आपके पास है। और निकाह के नाम पर खर्च करने वालों सुनो, अगर यही सूरत हाल रही तुम्हारा भिखारी होना यकीनी है। अल्लाह तुमसे माल छीन कर तुम्हें कमजोर और बेबस लोगों की सफ में अगर न लाए तो हमें कहना। छह छह सात सात डिशे, दस दस डिशे, ग्रीन वैली बुक किया जाएगा, शहनाई, छोटे मोटे मंदे हॉलों में काम नहीं चलता, नानी मरती है, सूद लेकर निकाह करते हो, किस तरह अपने बच्चों को खुशियां दी जा सकती हैं? इसलिए रिवाज के इस्लाम से निकलिए, भुट्टू नहीं, भुटना नहीं, कुछ नहीं, और हकीकत के इस्लाम पर आइए और अपने मुसलमान होने का सबूत दीजिए। जिन्होंने निकाह नहीं किया है वो निकाह करें, चेहरों पर दाढ़ी रखें, खौफ आपको खाए नहीं, मरे ना जाएं आप कि मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं होता। आपको अच्छे से समझना चाहिए, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा वयअलमु मुस्तक़र्रहा वमुस्तौदअहा। अल्लाह मेरे आपके रिस्क का वादा कर चुका है, इस जमीन पर मैं और आप भूखे नहीं मर सकते। अल्लाह मुझे और आपको रिवाज के इस्लाम से महफूज फरमाए, सूरत के इस्लाम से निकल कर हकीकत के इस्लाम में दाखिले की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।